Assalamu alaikum viewers, welcome to Lecrure TV. Viewers, आज मैं आपके लिए IceCream Screen Recorder के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपने स्क्रीन की मॉनिटरिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ आप इसमें ऑडियो रिकॉर्ड भी होगी, जिस तरह आप अक्सर ऑनलाइन देखते होंगे लेक्चर्स वगैरह या कोई ट्रेनिंग के प्रोग्राम स्क्रीन कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाए जाते हैं, आप उन्हें वॉच करते हैं. तो किस तरह की जाते हैं उसके लिए हमें स्क्रीन रिकॉर्डर्स की ज़रूरत होती है. तो इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर के नाम से एक IceCream सॉफ्टवेयर है जो मैं भी यूज़ करता हूँ, और एक बहुत अच्छा और सिंपल सा सॉफ्टवेयर है. इसको आप इजी टू यूज़ कर सकते हैं, इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट. नाउ स्टार्ट करते हैं IceCream स्क्रीन रिकॉर्डर. इसमें सबसे पहले मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है. ये आप गूगल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर कहता हूँ, गूगल से सर्च करवा के भी ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं. व्यूअर्स, इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के साथ साथ आपको ये बता दूं कि इसमें जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसमें एक स्क्रीन शॉट के नाम से आएगा और एक स्क्रीन कैप्चर के नाम से आएगा. दो सॉफ्टवेयर, ये स्क्रीन रिकॉर्डर और स्क्रीन कैप्चर, ठीक है. यानी स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं आप इसमें से और स्क्रीन को रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन से मैंने इसे ऑन किया. लाइक इसमें देखिए, ये कैप्चर वीडियो में बता रहा है कस्टम एरिया, फुल स्क्रीन, लास्ट एरिया, एरिया ऑटो डिटेक्शन एंड द अराउंड द माउस. नाउ व्यूअर, अराउंड द माउस, सबसे पहले हम कस्टम एरिया को सिलेक्ट करते हैं. लाइक मैंने कस्टम एरिया पे क्लिक किया, मैं यहाँ से सिर्फ ओनली ये वाला एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ और हमारी जो रिकॉर्डिंग होगी सिर्फ इसी एरिया में होगी. ये देखिए, मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ. अब आप इसको देखें कि जितनी मेरी वर्किंग इस एरिया में होगी वो इसको रिकॉर्ड करेगा. लाइक मैं इसमें मूवमेंट कुछ आपको दिखाता हूँ. मैन्यूज ओपन करता हूँ और सिर्फ इस एरिया की वर्किंग को इसने रिकॉर्ड किया. अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ, 10 सेकंड की हो गई है, स्टॉप करते हैं. इसको वॉश करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ. ये देखिए, मैं इस पर क्लिक प्ले करता हूँ मूवी को. तो आप देखें कि सिर्फ उसी एरिया की उसने वर्किंग शो की है, बाकी मेरी स्क्रीन की वर्किंग शो नहीं की. सिर्फ इस एरिया की वर्किंग, यानी इसको रिकॉर्डिंग में इसने नहीं एंटर किया. इसके बाद व्यूवर्स, मैं इसमें आपको नेक्स्ट, इसमें देखें कि यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड है. फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक करते हैं तो ये मेरा फुल स्क्रीन मोड पे रिकॉर्डिंग करेगा. देखिए, ये स्टार्टअप हो रहा है इसका 1-2, और ये स्टार्टअप हो गया. अब ये पूरी फुल स्क्रीन को रिकॉर्ड करेगा. ये देखिए, यानी मेरा पीसी का पूरा कंप्लीट डेस्कटॉप की रिकॉर्डिंग हो रही है. इसमें व्यूअर्स, ये अब आपको मैं इसमें कुछ ओपन करके दिखाता हूँ. ये देखें ना, मैंने इसमें ये ओपन किया हुआ, ये फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ठीक है. इसको स्टॉप करते हैं. लाइक इसका मैं आपको व्यू दिखाता हूँ. ये देखें, ये फाइल रिकॉर्ड होने के बाद इसमें सेव हो गई कंप्यूटर में, ये सारी सेटिंग हो गया. किस तरह करेंगे, ये देखिए, पूरी फुल स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग इसने रिकॉर्ड करेगा. ये देखिए, मैंने GW बेसिक ओपन की है. इसको बाद में इंशाल्लाह इसके लिए ट्यूटोरियल आपके लिए ला रहा हूं, कंप्लीट बहुत जल्द आपको इसके भी ट्यूटोरियल्स मिलेंगे. अभी बस इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन रिकॉर्डिंग मोड पर भी हम चेक कर रहे हैं, इसमें किस कितने टाइप्स की हमें, और लास्ट एरिया सिलेक्टेड, जो हमने लास्ट एरिया सिलेक्ट करके इसमें रिकॉर्डिंग की होगी उसको सिलेक्ट करेगा. लाइक ये देखें कि मैंने एक एरिया सिलेक्ट किया था स्क्रीन का, तो जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो वो उसी एरिया की रिकॉर्डिंग करेगा. जो मैंने फुल स्क्रीन सिलेक्ट किया था तो ये फुल स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग कर रहा है. अगर हमारा कोई सिलेक्टेड एरिया होगा तो वो सिलेक्टेड एरिया में रिकॉर्डिंग करेगा. इसको पॉज कर रहा हूँ. अभी आप देखें, ये लास्ट एरिया में जो सिलेक्शन थी हमारी उसमें फुल स्क्रीन थी. ये देखें, ये फुल स्क्रीन थी और फुल स्क्रीन आ गई, फुल स्क्रीन सिलेक्ट. अब मैं इसको क्लोज करता हूँ. इसमें नेक्स्ट देखते हैं. ये देखें कि इसमें नेक्स्ट में ये इसमें कैप्चर स्क्रीन में मैं इसको कस्टम एरिया करता हूँ. लाइक मैं इसको सिर्फ ये वाला एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ. ये देखिएगा, 1-2-3, वो सिर्फ इसी एरिया की सिलेक्शन आई. अब देखें, इसी एरिया की वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर रहा है, बाकी एरिया जो है ये वाला एरिया इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा.
इस एरिया में जितनी वर्किंग होगी उसी को शो करेगा, इसके अलावा कोई नहीं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लियो टीवी। मिरर गो के लेक्चर नंबर 2 के साथ हमने चुपताई। व्यूवर्स, लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कि अब देखिए ये पूरी मैंने मूवीज ओपन की थी लेकिन इसने पूरी मूवीज को नहीं किया। अगेन देख लीजिएगा, ये देखें, स्टॉप करता हूँ इसको, मैं ओपन करता हूँ ये वाली फाइल को से पिछले वाली। अब देखें इसी एरिया से हमने मूवीज का किया था, यहाँ से सिर्फ इसी को ओपन कर रहे थे, इसी एरिया को उसने शो किया, सिलेक्टेड एरिया को। व्यूवर्स, इसमें नेक्स्ट मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि इसमें ये देखिए, इसके बाद ये अराउंड द माउस, ये जो हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम गेमिंग रिकॉर्ड कर रहे हो गेम्स के लिए, तो मैं इसमें आपको भी इसकी रिकॉर्डिंग भी चेक करवा देता हूँ। अगर कोई गेम्स प्ले की हो तो इसमें ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, जिस एरिया में हमारा माउस जाएगा उसी एरिया में जूमिंग के साथ ये इसको वर्क करेगा। लाइक इसको मैं स्टॉप करता हूँ, ये देखिए टास्क बार से ये स्टॉप आ गया, मैंने स्टॉप किया। अब मैं इस फाइल को यहाँ से ओपन करता हूँ, ये देखिए जिसमें जूम एरिया के साथ उसको इसकी रिकॉर्डिंग भी सेक्शन में सिर्फ उसी एरिया में जहाँ जहाँ मेरा माउस मूव होगा उसी एरिया में जाकर सिर्फ ये स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करेगा, दूसरे एरिया की रिकॉर्डिंग ये नहीं करेगा। ओके व्यूअर्स, ना ये स्क्रीन रिकॉर्डर का ये मैंने आपको कैप्चर मोड बता दिया। आप सबसे पहले मैं आपको इसमें सेटिंग के बारे में बताता हूँ, इसकी सेटिंग हमने किस तरह करनी है और इसकी सेटिंग के ऑप्शंस क्या हैं। सेटिंग में अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहले आपको सिस्टम नज़र आएगा, ठीक है, हाईलाइट सिस्टम का टैब। इसमें सबसे पहले स्क्रीन शॉट फॉर्मेट, किस में आप स्क्रीन शॉट का फॉर्मेट सेव कर लें, पी एन जी फाइल में, JPG, टू फाइल टाइप रहता है, JPG और PNG, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद लैंग्वेजेस है, लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, अरबिक, अफ्रीकन, इंग्लिश, और ये देख लीजिए आपके सामने मैं सारी स्क्रॉल करके आपको चेक करवा दिए। और इसके बाद स्टार्ट विद विंडो, जब विंडो स्टार्ट हो यहाँ पे चेक कर देंगे तो ये जब विंडो स्टार्ट होगी तो ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। प्री लोड विद विंडो, ये विंडो के साथ ही ये प्री लोड होगा। चेक फॉर अपडेट, अगर आप ऑनलाइन कोई अपडेट इसको चेक करवाना चाहते हैं तो यहाँ टिक कर दें, वरना इसको अनचेक रहने दें। नॉर्मली इसको अब चेक रहने दिया जाता है, जब ज़रूरत होती है तो उस वक्त इसको ऑनलाइन अपडेटिंग पे चेक करवा लेते हैं। शो नोटिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन शो होता है, तो उसको ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता चलता है रिकॉर्डिंग पॉज हो गई, रिकॉर्डिंग चल रही है। एरिया सिलेक्शन, जूमर है, अगर जूम करना है आपने तो एरिया सिलेक्शन को जूम कर सकते हैं, इसमें ऑप्शंस आप यूज़ करते हैं। वेबकैम, अगर आपने अपने पीसी के साथ लगाई हुई है कैमरा कोई, तो यहाँ से उसकी डिटेक्शन वहाँ पर भी शो करेगा। ठीक व्यूवर्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में।